मॉर्निंग सुप्रभात नमस्ते सत्या कैसे हैं आप सब आई होप सब बहुत 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 अच्छे होंगे तो कैसा हमारा पूरा परिवार और मेरे बड़ों को छोटों को ढेर सारा प्यार तो हमारे दिन की शुरुआत हो गई हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ और हमारे सुबह के कामों से तो आज है इकतीस दिसंबर यानी कि साल का आखिरी दिन तो दो जाने वाला है और तेईस का आगमन हो रहा है तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार और साथ दिया उसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद और जो भी त्रुटियाँ इस वीडियो में रह गई हों और इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ आप लोगों को अच्छी या बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ और आने वाला नया साल आप लोगों के जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आए और आपके जीवन में खुशियों की कभी कमी ना हो और आपका जीवन खुशियों से हमेशा यूँ ही भरा रहे आप यूँ ही हँसते और मुस्कुराते रहें बस यही हमारी भगवान से प्रार्थना है और आप लोग अपना साथ और ही हमारे साथ बनाए रखिएगा ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें बस यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए रखें तो देखिए हमारे काम यहाँ शुरू हो गए हैं हमने पूरे घर पे झाड़ू वगैरह लगा दिया है और आ गए अपने कमरे पे तो यहाँ पर बिस्तर भी फोल्ड करके रख दे रहे हैं और फिर इसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा ये सब करेंगे झाड़ू तो लगी ही गया है बस पोछा ही लगाएंगे बिस्तर समेट कर और इधर देखिए मेरी बेटी सो रही है तो इसको भी जगा देती हूँ ताकि स्कूल के लिए भी रेडी हो जाएगी और उसको जगाने के बाद देखिए मैं गई यहाँ पर पोछा लगाने के लिए और मैंने साड़ी उतार दी है क्योंकि साड़ी में ना घर पे काम करते अच्छे से बनता नहीं है इसलिए मैंने साड़ी जो है उतार दी है बाहर जाना पड़ता है तो साड़ी हमें पहननी पड़ती है क्योंकि हम ऐसे गाउन या मैक्सी पहन कर बाहर नहीं निकलते हैं सूट वगैरह पहनकर घर के अंदर ही जो भी हमें पहनना होता है वो हम पहन लेते हैं लेकिन बाहर हम नहीं निकलते हैं तो हमने उतार दिया है और फिर इसके बाद हमने सारे घर पे पोछा लगाकर आ गए हैं अपने किचन पर बच्चों के लिए लंच तैयार करने के लिए तो यहाँ पर बच्चों के तो यहाँ लंच पे आज हम बनाएंगे सब्ज़ी और पराठा बच्चों के लिए क्योंकि अब नौ बजे के बाद ही गाड़ी आती है और दो बजे तक ही बच्चे स्कूल पर रहते हैं तो कुछ वगैरह कुछ उस तरीके का नहीं देते हैं पोहा वोहा बहुत कम ही बनाते हैं पराठा वगैरह रोटी ऐसा ही ये बना देते हैं ताकि काफ़ी लेट से आते हैं बच्चे तो बच्चों को स्कूल में भूख ना लगे तो ऐसा ही खाना बनाते हैं तो सब्ज़ी और पराठा बना देंगे कभी कभी रोटी और सब्ज़ी भी बना देते हैं ऐसे बना देते हैं तो वही अब इधर हम काट लेंगे और देखिए ये भी लेकर आ गई हैं अपनी बॉटल तो इसको भी भर कर रख देते हैं इनकी भी और इसके बाद अब हम सब्जियों को छील लेंगे और इसके बाद बनाते हैं अपनी सब्ज़ी और बच्चों की बॉटल वगैरह सारी अभी हम भर कर रख देते हैं लंच तैयार करने से पहले ताकि बच्चों को भी थोड़ा समय मिल जाए ताकि ये लोग कुछ खा पी लें वरना बस तैयार होने में ही समय निकल जाता है क्योंकि ठंडियाँ हैं तो बच्चे जल्दी उठ भी नहीं पाते हैं और बस लेट से उठते हैं तो बस इनके तैयार होते होते ही समय निकल जाता है इसीलिए मैं इनका सारा लंच का जो सारा सामान होता है पानी वगैरह बॉटल ये सब भर कर रख देती हूँ ताकि इनको भी आसानी हो और फिर हमने अपनी देखिए सब्जी वगैरह यहाँ पर काट लिया है आलू गोभी ये सब और देखिए हमारी चाय में भी इधर उबाल आ गया है और अब बना लेंगे अपनी सब्जी और इधर हमने पानी भी चढ़ा दिए बच्चों के नहाने के लिए क्योंकि ठंड में है ना बच्चे ठंड पानी से नहीं नहा पाते हैं तो पानी चढ़ा दिया है और देखिए हमारी सब्ज़ी यहाँ बनकर रेडी हुआ है और बनाने लगे हैं पराठे तो आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म, गर्म पराठे और सब्जी फिर इसके बाद देखिए खाना वगैरह हमारा सब बन गया था तो हम आ गए हैं छत पर तो हमारे स्वेटर का ना बटन टूट गया था तो वही लगाने के लिए हम आए हैं ऊपर और थोड़ी सी धूप भी ले लेंगे क्योंकि काम करते करते ना नीचे बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में गलन हो जाती इतना तो ज़्यादा गलन है और ठंड तो बटन लगाने के बहाने हम धूप भी थोड़ी ले लेंगे और तो चलिए लगा लेते हैं अपनी बटन और मिलते हैं आपसे इस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है फ्रेंड्स तो हम आए हुए थे ऊपर धूप लेने के लिए छत से धूप लेने के लिए कर लेते हैं तो यही मैंने सोचा कंगी ले जाती हूँ और कंगी कर लेती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात भी कर लेते हैं और आइए आप लोग भी धूप ले लीजिए और धूप तो बहुत अच्छी खिलती है लेकिन बहुत ही ज्यादा ठंड है एकदम कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है इसमें बहुत ही ज्यादा गलन है और देखिए अच्छी तो अगर आज की वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो चैनल में न्यू भाई बहन आते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगले साल यानी 2023 पे में तब तक के लिए बाय बाय टेक कर अपना ख्याल रखिएगा